आप नेता संजय सिंह ने लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का एक हैरतअंगेज वीडियो ट्वीट किया है। इसमें किसानों को पीछे से टक्कर मारती कार दिख रही है। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर खीरी में गाड़ियों में आगजनी और गुस्साए किसानों की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की इन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को अलग मुकाम पर लाकर खड़ा किया था और देश की सियासत में उबाल आ गया था। लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस खूनी झड़प से पहले का वो वीडियो जो असल में इस पूरे बवाल की वजह बना था। 27 सेकंड के इस वीडियो में लखीमपुर के टिकुनिया चौक पर हुई खूनी झड़प से पहले की खौफनाक तस्वीरें दर्ज हैं। इसमें एक लग्जरी गाड़ी किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती है। एक किसान कार के बोनट पर जा गिरता है, इसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं तो कुछ लोग छिटक कर दूर जा गिरते हैं। किसानों को रौनते हुए ये एसयूवी आगे बढ़ जाती है। इसके पीछे ही कुछ सेकंड के भीतर एक दूसरी कार आती दिखती है। इस वीडियो पर सवाल उठने तय हैं और जांच एजेंसियों के लिए ये वीडियो मामले की वजह की तह तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भले ही किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन सियासत अभी थमती नहीं दिखती। आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखीमपुर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज देश भर में लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर भेजने की बात कही है। जाहिर है 8 जिंदगियां लील लेने वाली लखीमपुर की खूनी झड़प अभी कुछ दिन किसान आंदोलन के मंचों से लेकर सियासी पार्टियों के नारों और विरोधों में जिंदा रहेगी। आज तक ब्यूरो।